हेलो एलके जी क्लास, आज हम आपकी मिक्स मेलेडी में आपको राइम्स करवाएंगे। ओके, नाउ अपनी बुक्स खोलेंगे जल्दी से सभी बच्चे। नाउ मिक्स मेलेडी, ये आपकी बुक है ना, जिसमें आपकी राइम्स हैं, पोइम्स हैं आपकी हिंदी और इंग्लिश की। जल्दी से ओपन कीजिए। नाउ जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपकी राइम है माय लिटिल काइट। आजकल आप सभी अपने घरों में काइट उड़ा रहे होंगे, नॉटी हो गए होंगे आप लोग सभी, तो आपको राइम भी तो आनी चाहिए ना काइट के बारे में। तो अब आज अपनी राइम को लर्न करेंगे आप, ठीक है। माई लिटिल काइट ऑफ डायमंड शेप, कि मेरे लिटिल काइट डायमंड शेप की है। फ्लू एंड फेल आउटसाइड माई गेट, कि वो उड़ के और गिर जाती है मेरे घर के बाहर, ठीक है। नाउ एक बार फिर से बोलेंगे, माई लिटिल काइट ऑफ डायमंड शेप फ्लू एंड फेल आउटसाइड माई गेट। वेरी नाइस, आप इसको लर्न करेंगे, ठीक है। छोटी सी पोईम है, आप इसे लर्न करेंगे आज मम्मा पापा के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, ये दीदी क्या कर रही है, काउंटिंग दिखा रही है हमें, और हमें बताएंगी दीदी कि क्या क्या मीनिंग होता है किसके बारे में, ठीक है। तो अब हम नाम क्या है आपके राइम का, वन फॉर सोरो, टू फॉर जॉय, थ्री फॉर गर्ल, फोर फॉर अ बॉय, फाइव फॉर सिल्वर, सिक्स फॉर गोल्ड, सेवन फॉर अ सीक्रेट दैट इज नेवर टू बी टोल्ड। कि वन का मतलब होता है सोरो, कोई परेशानी, क्योंकि वो अकेला है। टू फॉर जॉय की दो आपस में खेलेंगे, जॉय करेंगे। एंड थ्री फॉर गर्ल, ठीक है। और फोर जो आपकी गिनती है वो लड़के के लिए। एंड फाइव फॉर सिल्वर, सिक्स फॉर गोल्ड, क्योंकि फोर आपका चौका लगता है आप खेलते हैं तो, और सिक्स आपका गोल्ड माना जाता है, वो सिक्सर लग जाता है। और सेवन आपके सीक्रेट के लिए है, दैट इज नेवर टू बी टोल्ड, जो किसी को बताया नहीं जाता उसे सीक्रेट कहते हैं। ओके, चलिए आप इसको लर्न करेंगे। ओके, नाउ अब आपका नेक्स्ट राइम आपकी आ गई है, क्या नाम है जिसका, चू चू चिड़िया, ठीक है। ये देखो ऊपर उड़ रही है ना ची ची चिड़िया, तो अब पढ़ेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। नाउ चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, छम छम करता आया भालू, ढोल उठा कर लाया भालू, भालू ढोल बजाएगा, तातैया नाच दिखाएगा, चिड़िया मौज उड़ाएगी, फुर फुर कर उड़ती जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी है। देखो सामने भालू ढोल बजा रहा है, ठीक है। ये भैया गा रहा है कि चिड़िया आई है, दाल का दाना लेके आई है, भालू ढोल लेके आया है, वो छमछम करके बजाएगा, ठीक है। और तातैया तातैया करके ये दोनों नाचेंगे और मौज उड़ाएंगे, और उसके बाद चिड़िया खुश होके उड़ जाएगी। और आपका एक होमवर्क है छोटा सा, नीचे आपको दिखाई दे रही है ये आपकी चिड़िया रानी। आप इस चिड़िया रानी को कलर करेंगे, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उस कलर से इसको, और इसकी डालियों में आप ग्रीन कलर फिल करके इसे कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, नाउ एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी, ठीक है। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, छम छम करता आया भालू, ढोल उठा कर लाया भालू, भालू ढोल बजाएगा, तातैया नाच दिखाएगा, चिड़िया मूंछ उड़ाएगी, फुर फुर कर उड़ती जाएगी, ठीक है। आप इसको लर्न करेंगे। ओके क्लास,